हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र गोरखपुर में शनिवार तक लगभग 800 सैंपलों की कोविड-19 के जांच में गोरखपुर मंडल के महाराजगंज जिले में पॉजिटिव पाए गए सभी 6 मरीज तबलीगी जमात के। बस्ती मंडल में बस्ती जिले के मिले 8 कोविड-19 पॉजिटिव सैंपल, बाकी सभी सैंपल मिले निगेटिव। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने दी जानकारी। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। कहा, जनता के सहयोग से जिले में नहीं है कोरोना का कोई मरीज, लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल में गेहूं खरीद की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीएम और एसएसपी ने महानगर लॉकडाउन की स्थिति का लिया जायजा, विभिन्न मोहल्लों में जाकर लोगों को किया जागरूक। कहा, कोरोना वायरस का नहीं है इलाज, बरतें सावधानी, रहें घरों में, करें लॉकडाउन का पालन। जिला प्रशासन द्वारा संचालित कम्युनिटी किचन का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कहा, राशन वितरण में गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान, गरीबों असहायों के घरों तक पहुँचाएं राहत सामग्री। बालोटिया मार्केट में गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर प्रशासन ने लिया निर्णय, अब कचहरी क्लब में होगी पार्किंग। लॉकडाउन के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रातःकालीन महेवा मंडी का किया निरीक्षण, ड्यूटी पर लगे सेक्टर मजिस्ट्रेटों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ ने चिकित्सक डॉक्टर सेठ ने मुख्यमंत्री डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में दी 2 लाख की सहायता राशि। कहा, कोरोना की लड़ाई में आगे आए चिकित्सक, करें मुख्यमंत्री डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में मदद। लॉकडाउन के दौरान शनिवार को प्रातःकालीन महेवा सब्जी मंडी का सिटी मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण, ड्यूटी में लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट करा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोविड-19 के मद्देनजर मुख्यमंत्री डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में हर हर महादेव इंडस्ट्रीज ने डीएम के माध्यम से दिया 1,01,000 रुपए की सहायता। कहा, कोरोना पीड़ितों के लिए है प्रयास। विशेष टीम बनाकर नगर निगम करा रहा है सफाई, जिससे रोका जा सके कोरोना का संक्रमण। और लॉकडाउन के दौरान शनिवार को भी जिले में पसरा रहा सन्नाटा, पैदल मार्च और नाकाबंदी कर पुलिस दिन रात करा रही है लॉकडाउन का पालन।